मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दिल्ली में P20 यानी पार्लियामेंट्री 20 की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में और जो इसराइल में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं समानता दिखी। दरअसल आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P20 का उद्घाटन करते हुए कहा कि आतंकवाद का सफाया करना जरूरी है और उन्होंने सारी दुनिया की बिरादरी से उनका आह्वान किया कि आतंकवाद को कुचलने के लिए सब एकजुट हो जाए। इसको फिलिस्तीन को से जोड़ा जा रहा है क्योंकि फिलिस्तीन ने जो अभी गाज़ा पट्टी में और गाज़ा पट्टी से जो इसराइल में जो हमास उनका जो आतंकवादी संगठन है उसने जो अटैक किए हैं और वहाँ बेकसूर लोगों को मारा है, उसके बाद इसराइल ने जो पलटवार किया है और इसराइल ने दावा किया कि 1500 आतंकवादी को मार गया है और इसराइल ने गाज़ा पट्टी को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने फिलिस्तीन से कहा कि इसे खाली करो, जैसे कि इस आंदोलन ये जो बमबारी की है फिलिस्तीन हमास ने, तो उसके बाद से लग रहा था कि ये जो इसराइल है अभी इसराइल इसको छोड़ेगा नहीं। इसराइल क्योंकि ये बार बार गाज़ा पट्टी से ही अटैक हो रहे हैं तो इसलिए वो इस गाज़ा पट्टी को ही हड़पना चाहते हैं। अब इसराइल की इच्छा है कि वो गाज़ा पट्टी को अपने साथ रख ले, तो उसने जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं करीब 22 लाख लोग वहाँ रहते हैं उनसे कहा कि वहाँ से छोड़ के चले जाओ। तो आज हमने देखा कि सड़कों पर किस तरह से लोग निकल पड़े, बच्चों को लेकर, महिलाएं, बुज़ुर्ग, जवान, सब लोग अपने अपने सामान लेके जो जिनकी इच्छा है वो दक्षिण गाज़ा की तरफ निकल गए हैं और वहाँ से वो इजिप्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं, एक मिस्र ही बचा हुआ। और संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि इसराइल का अल्टीमेटम वो ठीक नहीं है क्योंकि अल्टीमेटम देंगे तो इतने सारे लोग, लाखों लोग कहाँ जाएंगे, फिर उनके जीवन का संकट हो जाएगा। तो ये जो दो घटनाएं हैं कि एक तो इसराइल ने जो अटैक किया, बमबारी की है गाज़ा पट्टी में और दूसरा हमारे देश में P20 कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रधानमंत्री का जो संकेत था वो यही था कि आतंकवाद को ख़त्म करना है और इसराइल का सपोर्ट करना है। यहाँ पर इसराइल का सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है कि इसराइल इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ अकेले ही युद्ध में है। वो हमास के खिलाफ युद्ध कर रहा है, वो लेबनान के मुजाहिदीन है उसके खिलाफ युद्ध कर रहा है, सीरिया की तरफ से भी कुछ अटैक हुआ है उसका भी मुकाबला कर रहा है। तो ये जो आज जो अरब देश है, जो अरब यूनियन है, उसने भी अनाउंस कर दिया कि वो इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। तो इस तरह से इसराइल अब अकेला पड़ा हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके बहुत मायने हैं कि पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। आज गाजा सिटी को खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिए, फिलिस्तीन को से कहा कि आप इसको खाली करो और इसराइल की सेना है वो अब गाज़ा में प्रवेश कर गई, यानी उनकी जो थल सेना है, पैदल सेना है, इसका मतलब कि जो वायु सेना ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने वहाँ बिल्डिंग ध्वस्त कर दी है। गाज़ा शहर को तबाह कर दिया है और अब वो पैदल मार्ग से उसको कब्जा करेंगे क्योंकि जहाँ जो सैनिक जहाँ खड़ा हो जाता है वहाँ उस देश का राज हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब खाली कर दो और वरना फिर उनके सैनिक तो आ ही रहे हैं। तो आज इसराइल ने दावा किया कि 1500 हमास आतंकवादियों को मार गिराया है और आगे भी इनको मारते रहेंगे। तो बमबारी में 13 बंदूकों की मौत हुई है। आज यरूशलम से जो हमास ने कहा है कि गाज़ा पट्टी के इसराइल की ओर से की गई भारी बमबारी में 13 बंदूकों की मौत हो गई, ये बंदूक इसराइल के थे। तो इस तरह से इन्होंने हमास वालों ने कहा, ये मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल दबाव भी होता है कि आपके ही लोग मार रहे हैं, यानी हमने जिन लोगों को बंधक बनाया है आप उनको वापस ले जाओ। तो चूंकि ये युद्ध है और उसमें फिर किसी भी देश को अपने कुछ नागरिकों को दांव पर लगाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि देश महत्वपूर्ण होता है, फिर उसमें लोग गवाह हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों आज ये लगता है कि अब अंतिम मुकाम पर है क्योंकि ये युद्ध कई सालों से चल रहा है, 1896 से ये युद्ध है। उससे पहले जब यहूदी से इस्लाम अलग हुआ था तब तो आप छोड़ दीजिए, उसमें तो शुरुआती
लड़ाई झगड़े से हुई थी और एक विरोध से हुआ था। तो वो अब झगड़ा 1896 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और उसके बाद फिर आप देखिए, जब 1948 में इसराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, तब से लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है। तो अभी जो गाजा पट्टी का मेन जो इशू रहता है कि गाजा पट्टी से हमास के लोग अटैक करते हैं, तो गाजा पट्टी को ही अपने कब्जे में ले लेगा और आतंकवादियों को मार के रहेगा, तो प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद फिर जो भूमध्य सागर की सीमाएं आ जाती हैं, तो भूमध्य सागर में फिलिस्तीन की इतनी मौजूदगी नहीं है, यानी इतना वो जो उसका जो मेन पार्ट है वो गाजा, जहाँ से वो जमीन से आक्रमण करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जल्दी ही निर्णायक युद्ध होने वाला है। मित्रों, आज एक अच्छी खबर है कि ओलंपिक एसोसिएशन ने 5 और नए खेलों को ओलंपिक में शामिल करने का फैसला किया है। इस पर कल वोटिंग होगी, लेकिन आज तय हो गया। और उसमें जो 5 खेल हैं, उसमें है आपके T20 हो गया, और बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस जिसको सिक्सेस बोलते हैं, और स्क्वाश, ये ओलंपिक में शामिल करने का मंजूरी मिल गई है। अब कल इसमें वोटिंग होगी, तो वोटिंग जब मंजूरी हो जाती है तो वोटिंग हो जाती है, तो वोटिंग होगी और उसके बाद फिर इनके जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आज अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हो तो है ही, कल प्रधानमंत्री भी वहाँ होंगे और इनका जो कॉन्फ्रेंस है उसको संबोधित करेंगे। और अभी भी कानों में गूंज रही है सायरन, रॉकेट दागने की आवाज़ें। ये इसराइल का जो पहला जत्था है आज भारत पहुंचा है, और इसने कहा है कि किस तरह से वहाँ सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं और रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो ये कि ये मौत के मुंह से बच के आए हैं। और मित्रों, आज अदालत में अगर भाषण दिया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। आज संजय सिंह को 27 तक न्यायिक हिरासत में भेजा है और कोर्ट ने कहा है, जो बार बार वो भाषण देते हैं कि अडानी का प्रधानमंत्री अडानी का आदमी है, अडानी प्रधानमंत्री के आदेश के नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि जो अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और वो बार बार अपनी जगह खुद करते हैं। तो आज जज साहब इरिटेट हो गए, उन्होंने कहा कि अगर आपने दोबारा इस तरह की हरकतें की तो फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी पेशी करेंगे, यानी कोर्ट में नहीं आने देंगे। तो ये भी ये संजय सिंह के लिए एक सबक है। इसके अलावा मित्रों, आज कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी के मामले में भाजपा के पास जो चुनावी बॉन्ड का जो पैसा है उसकी बदौलत वह विधायक को खरीद रही है, और उनका ये कहना है कि अडानी से जो सौदेबाजी हुई करीबन 12,000 करोड़ का है। आज गर्भपात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से फिर रिपोर्ट मांगी है। पूछा कि क्या 26 बच्चे का भ्रूण को विकृत विकृत से ग्रस्त है क्या, उसको जो जिस महिला ने परमिशन मांगी है कि 26 हफ्ते के भ्रूण को गिराया जाए, तो कोर्ट ने कल तो मना कर दिया था, लेकिन उस महिला ने कहा कि उसमें कुछ विकृतियां हैं, तो इसलिए कोर्ट ने फिर एम्स से रिपोर्ट मांगी कि सब बताओ भाई क्या इसमें विकृतियां हैं। और तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आया है, आज की प्रधानमंत्री आज P20 की कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, तो मैक्सिको की जो सीनेट प्रेसिडेंट है रिवेरा, उसने प्रधानमंत्री को राखी बांधी, और प्रधानमंत्री ने भी छोटी बहन समझकर उनके सिर पर हाथ धरा और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और मित्रों, एक जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त का दर्जा कैबिनेट सेक्रेटरी का होना चाहिए, तो इन्होंने डिमांड रखी है। और इसके अलावा मित्रों, आज क्रिकेट की खबर है। आज न्यूजीलैंड ने
बांग्लादेश को हरा दिया है, और उसके बाद आज ही भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। हालांकि बारिश का खतरा है, लेकिन ये मुकाबला ज़बरदस्त होने वाला है और इसके लिए 6,000 पुलिस वाले लगा रखे हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। और उसके बाद जो ये टोटल मैच हैं, ये अभी तक वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मैच हुए हैं और 7 के 7ों भारत ने जीते हैं, तो इसलिए साइकोलॉजिकल बेनिफिट है तो भारत की तरफ है। तो देखते हैं कल किस तरह का मुकाबला होता है, तो ज़बरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी वो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के बीच भी है। ये कभी ये राइवलरी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ करती थी एक ज़माने में, जब बॉर्डर और गावस इयान बॉथम वगैरह जब हुआ करते थे उस ज़माने में, तो अभी के शिफ्ट हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच हो गया। तो मित्रों अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।